हेलो गाइस, तो लेकर आ चुका है एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड इस वाले वीडियो के अंदर भाई आप लोग को मैं बताने वाला भाई आप लोग कैसे अपना खुद का जीएफएक्स टूल बना सकते हो, क्योंकि ये वाला वीडियो देखने के बाद आप लोग भाई किसी भी गेम का आप लोग जीएफएक्स टूल बना सकते हो ना। आप लोग को पता भाई कौन से गेम का जीएफएक्स टूल बनाया जाता है। एंड मैं आप लोग को बता दूँ, जितने भी क्रिएटर हो, जितने भी यूट्यूबर हो, या फिर जितने भी भाई सिंपल आदमी हो जो बस ऐप बनाना चाहते हैं अपना एंड सबको दिखाना चाहते हैं भाई देख मेरा खुद का ऐप है, वो सभी भाई यहाँ पर बना पाओगे। एंड इसके लिए भाई कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कोई भी भाई, अगर 5 क्लास तक भी पढ़े हो तो भी चलेगा, 10 है 15 है जो भी है भाई, मतलब कुछ भी कोई भी ग्रेजुएशन हो जाए उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सिंपली अब मैं आप लोग को वीडियो स्टार्ट करता हूँ, मैं आप लोग को बता दूँ भाई आप लोग को क्या क्या स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करना होगा आप लोग को भाई, ये वाला 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। एंड इस वाले 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप लोग का यहाँ पर देख सकते हो इम्पोर्ट प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग भाई न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग का यहाँ पर डिफॉल्ट का ऑप्शन आएगा, तो इस वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग का एक पेज खुल जाएगा न्यू प्रोजेक्ट का, जिसमें भाई आप लोग को अपने ऐप का नाम देना होगा एंड उसके बाद पैकेज नेम देना होगा। तो ऐप के नाम पे आप लोग भाई कुछ भी डाल सकते हो, सिंपली याद रख लो। एंड लेकिन मैं आप लोग को ये बता दूँ, आप लोग भाई गलती से भी पैकेज नेम के बीच में स्केप स्पेस मत डालना, क्योंकि स्पेस डालोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग भाई कुछ भी डाल देते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई जो ऐप का नाम है वही देना है, ऐसा कुछ इस बात नहीं है, आप लोग यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो। ओके, तो इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पर क्रिएट वाला जो बटन है ना, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तुम्हारा ये ऐप हो गया रेडी। एंड यहाँ पर अब इसको ओपन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक ओपन जाएगा, टेंशन मत लेना। फिर यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद देखो तुम्हारा यहाँ पर कोडिंग आ चुका है एंड ये सब आ चुका है। एंड इसे करना कि हम लोग, मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ जो सिंपल सा है। देखो यहाँ पर जब प्ले वाले बटन पर तुम क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर में देख सकते हो यहाँ पर GFX टूल लिखा हुआ आ रहा है, तो इसे रखना है। तो भाई कोडिंग मत हटाना जो मैं हटाने जा रहा हूँ, अगर नहीं रखना है तो सिंपली करना क्या है, बैक आ जाओ। एंड ये दो लाइन जो आप लोग देख पा रहे हो, ये दो लाइन सिंपली इन दोनों को यहाँ से कट कर दो। ओके, अब यहाँ पर मैं प्ले करूँगा तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है एंड ये एक ब्लैंक पेज है, मतलब सादा पेज है। ओके, अब हम लोग भाई यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद सिंपली यहाँ पर लेआउट LY जो देख पा रहे हो यहाँ पर, सिंपली इसके अंदर जाना है। एंड इसके अंदर जाने के बाद सिंपली यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो गैलरी का ऑप्शन जो है ये, इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो तो पूरा का पूरा सादा पेज है। एंड यहाँ पर कहीं पर भी आप लोग को बस एक सिंगल क्लिक करना हो कि यहाँ पर कहीं पर भी तुम क्लिक कर दो, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, सिंपली इसके ऊपर जाएंगे। एंड इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पर विडगेट पर जाएंगे एंड यहाँ पर हम लोग बटन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे बटन ऐड करने वाले, मैक्सिमम 6 से 7 बटन ऐड करेंगे एंड उसके बाद भाई सबका फंक्शन देंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली बटन पर क्लिक करोगे, तो जैसे बटन पर क्लिक करोगे देख सकते हो यहाँ पर बटन आ चुका है, लेकिन ये बटन भाई सबसे ऊपर में है एंड कॉर्नर में है, तो इसे हम लोग को थोड़ा नीचे लाना और बीच में लाना है। तो सिंपली इस वाले बटन पर क्लिक करना। मैं हर बार मार्क नहीं करूँगा भाई बटन कहाँ पर, मैं अभी बस स्टार्टिंग में जो कुछ बता रहा हूँ ना, जो फर्स्ट टाइम बताऊँगा बस उसे मार्क करूँगा एंड उसके बाद भाई आप लोग याद रखना, क्योंकि भाई इससे टाइम बचेगा एंड मैं जल्दी जल्दी सब कुछ बता पाऊँगा। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप लोग को करना क्या होगा, यहाँ पर लेआउट ग्रेविटी जो है इसके ऊपर जाना है। एंड इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सेंटर का जो बटन देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर सेंटर इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हो ये सेंटर में आ चुका है बटन, लेकिन इस बटन को अब हमें थोड़ा नीचे लाना, तो सिंपली फिर से बटन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद हम लोग को भाई यहाँ पर देख पा रहे हो लेआउट मार्जिन टॉप। ओके, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका मतलब होता है भाई टॉप से कितना नीचे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग दे देंगे इसको मैक्सिमम 90 देते हैं एंड देखो थोड़ा नीचे आ गया। अब हमको इसका साइज़ मेंटेन करना है एंड उसके बाद इसका आईडी, इसका नेम, इसके टेक्स्ट क्या होना चाहिए वो सब देखने वाले हैं। तो फिर से बटन पर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर सिंपली हम लोग इसके साइज़ हम लोग देंगे, तो इसके ऊपर जाने हम लेआउट विथ पे। एंड लेआउट विथ पे जाने के बाद यहाँ पर फिक्स साइज़ जो देख पा रहे हो फिक्सड साइड इसके ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पर हम लोग इसे भाई कम से कम 250 कर देते हैं। ओके, 250 करोगे देखो इतना बड़ा बटन हो गया। अब हम इसका नाम देंगे, तो सिंपली इस वाले बटन पर फिर से क्लिक करना। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग दे देंगे सिंपली इसको हाई डैमेज। ओके, इतना करने के बाद अब हमें इसे आईडी भी देना होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग भाई टेक्स्ट साइज़ देख लेते हैं। तो सिंपली फिर से बटन पर क्लिक करना एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ में जाना एंड इसको कम से कम 30 कर दो। इतना करने के बाद देख सकते हो साइज़ भी बड़ा हो गया, बटन भी आ गया। अब इसका हम लोग आईडी देंगे, जिससे भाई आगे जितनी भी कोडिंग होगी ना वो आईडी पे होती है। आप लोग का टैक्स साइज़ क्या है, नाम क्या है, बटन का नाम क्या है, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी कोडिंग वर्क करती है वो सिर्फ और सिर्फ आईडी नंबर पर वर्क करती है। सिंपली इस बटन पर फिर से क्लिक करेंगे, आईडी पर जाएंगे, ये देख पा रहे हो आईडी,
इसके अंदर जाने के बाद सिंपली यहाँ पर हम लोग दे देंगे हाई डैमेज या फिर डैमेज लिख देते हैं सिंपली। बस याद रहना चाहिए कि भाई कौन से बटन का हम लोग क्या दिए हैं आईडी ओके, क्योंकि यही मेन फंक्शन है। आईडी पे क्लिक करेंगे, इसका आईडी हो गया फिक्स। अब हम लोग भाई यहाँ पर कुछ और बटन ऐड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सिंपली आप लोग भाई कहीं पर भी क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ऐड पर क्लिक करो, फिर विडगेट में जाओ, बटन में जाओ, ऐड हो गया। तो मैं 5-6 बटन जल्दी जल्दी ऐड कर लेता हूँ। विडगेट में जाओ, बटन में जाओ। तो ये चीज़ करने से क्या होगा भाई, स्पीड होगा, वरना भाई एक काम ख़त्म करोगे फिर से जाओगे ऐड करोगे वी करोगे तो भाई टाइम लगता है। इससे अच्छा भाई एक ही बार में इन सभी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर ले। ओके, तो इतनी सारी बटन आ चुकी है, एक और बटन ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद भाई यहाँ पर सबका नाम देने वाले हैं, तो सब बटन पर क्लिक करो, मतलब एक बटन पर क्लिक करो। आई डी इसका देता हूँ मैं सिंपली एम बोट, एंड इसका नाम हम लोग लिख देंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग साइज इसका कर लेंगे, एक एक लाइन से जितनी भी आती है वो सभी करने वाले हैं। सॉरी गलती से क्लिक हो गया बैक पे। तो इसके लेआउट विक्स पे जाएंगे, फिक्स साइज में जाएंगे, एंड इसको भी कर देंगे हम लोग 30, एंड सॉरी यार इसको 250 करना था, तो इसको हम लोग कर देते हैं 250। एंड इतना करने के बाद हम लोग भाई लेआउट ग्रेविटी में जाएंगे एंड इसको सेंटर कर देंगे। इसका काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके ऊपर बटन के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे एंड इसको अगर थोड़ा नीचे लाना है तो ये वाला बटन काम करा सकते हो, लेआउट टॉप मार्जिन वाला। अगर नीचे नहीं लाना है तो वहीं पर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, उतना पे भी काम चलेगा। तो थोड़ा नीचे करता हूँ, जिससे भाई बटन जब मैं कलर ऐड करूँगा ना तो देखने में बहुत ज़्यादा कमाल का लगेगा। एंड उसके बाद इसका टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो टेक्स्ट इसका लिख देता हूँ जैसे मैंने उसका लिखा था एम बोर्ड, तो मैं इसको एम बोर्ड कर देता हूँ। एंड इसके बाद इसका टेक्स्ट साइज़ बढ़ाने के लिए बटन पर क्लिक करो, टेक्स्ट साइज़ में जाओ, एंड इसको मैंने 30 रखा था पहले वाले का, तो इसको भी 30 कर देता हूँ। तो देख सकते हो बटन ऐड है। तो अब दूसरे वाला कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं हम लोग रिक्वाइल, आईडी हो गया। एंड उसके बाद इसका हम लोग वही विथ भी चेंज कर देते हैं, फिक्स साइज़ में जाके इसको 250 करना है। वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली, पूरा वीडियो देख लो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि भाई इस वाले वीडियो के बाद आप लोग ये नहीं बोलोगे भाई ऐप नहीं बन रहा, ऐप 100% बनेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं नो रिक्वाइल, ओके। एंड उसके बाद इसका हम लोग भाई साइज भी फिक्स कर देते हैं, तो साइज़ हम लोग कर देंगे इसको फिर से 30। एंड इसका जो टॉप मार्जिन है उसको कर देते हैं हम लोग, कितना रखे थे पहले वाले का 20, इसको भी 20 रख देते हैं बस। तो इक्वल साइज़ में भाई डिफरेंस रहेगा तो देखने में मस्त लगता है। फिर तीसरे वाले का आईडी हम लोग रख देंगे नो ग्रास का, सिंपली रख देते हैं ग्रास। एंड उसके ऊपर फिर से क्लिक करेंगे, इसका विथ हम लोग भाई 250 कर लेंगे। एंड उसके बाद इसका हम लोग लेआउट ग्रेविटी सेंटर, उसके बाद क्लिक करके टेक्स्ट में जाएंगे एंड यहाँ पर हम लोग कर देंगे सिंपली नो क्रैश, ओके। अब इसका हम लोग साइज कर देंगे चेंज, तो यहाँ पर थोड़ा स्किप कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सेम चीज़ होने वाली है तो आप लोग यहाँ से स्किप कर सकते हो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसका टॉप मार्जिन भी हम लोग कर देंगे भाई 20। अब हम लोग भाई फिर से आईडी में जाएंगे, अब नो ग्रास एम बोट हो गया एंड उसके बाद नो रिक्वाइल भी हो गया। एंड अब क्या डालना है इसमें, कौन सा डालूँ, एक ओपन गेम का भी फंक्शन ऐड करना है एंड उसके बाद एक और कोडिंग है, तो एक बटन को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से डिलीट, ओके, तो डिलीट पर क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक ओपन गेम, आईडी हमेशा स्मॉल में लिखोगे तो अच्छा आएगा क्योंकि जल्दी हो जाता है ये। एंड इसका जो हम लोग भाई यहाँ पर विथ जो है इसका हम लोग 300 लेंगे, जिससे भाई देखने में मस्त लगे, मतलब पहले वाले बटन से बस थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो इसका ग्रेविटी हम लोग सेंटर कर देंगे एंड इसका जो टॉप मार्जिन था वो भी हम लोग भाई 20 कर देंगे, इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 21 करते हैं, देखने में थोड़ा ज़्यादा नीचे लगे तो नहीं, 20 रखते हैं बेटर रहेगा, हो गया। एंड इसका हम लोग टेक्स्ट दे देंगे ओपन गेम। देखो टेक्स्ट साइज और टेक्स्ट से ना कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप लोग जैसा चाहो वैसा दे सकते हो, लेकिन आईडी जो है ना बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। आईडी का मैं बताता हूँ आगे क्या फंक्शन होती है, क्योंकि आईडी जो है ना भाई वही तुम्हारा हर चीज़ रन कराने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट वाले का कर देते हैं यूट्यूब, एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे लेआउट ग्रेविटी, इसको सेंटर, फिर इसके ऊपर क्लिक करके इसका विथ हम लोग भाई फिक्स साइज़ करके इसको हम लोग कर देंगे 300 सॉरी। एंड उसके बाद हम लोग इसका यहाँ पर यूट्यूब लिख देते हैं, सब्सक्राइब लिख देते हैं पहले, सब्सक्राइब यूट्यूब, ओके। अब हम लोग इसका जो साइज़ है ना, सॉरी बैक हो गया था, इसका हम लोग साइज़ कर देते हैं 30।
ये तो आज ज़्यादा ही हो गया, तो इसको हम लोग भाई थोड़ा छोटा कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता रहता है हमेशा। बटन पर क्लिक करो, इसके स्टैक साइज़ में जाओ एंड इसको हम लोग कर देते हैं मिनिमम 25, जिससे एक लाइन में आ जाए। हो गया। अब हम लोग इसको मार्जिन जो रहा टॉप मार्जिन, उसको थोड़ा सा नीचे करने के लिए भाई जिसको भी कर देते हैं 20। अच्छा से करना, ऐसा ना हो कि भाई मैप के बाहर हो जाए, मतलब कि स्क्रीन के बाहर चला जाए बटन, ऐसा मत करना, बस स्क्रीन में रहना चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हारा बटन हो चुका है रेडी। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो थ्री डॉट देख पा रहे हो, ये थ्री डॉट, ओके, इस वाले थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो सेव वाला बटन है सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड ये हो गया सेव। एंड यहाँ पर देख सकते हो लेआउट ALY में कुछ नहीं था एंड यहाँ पर इतनी सारी कोडिंग आ चुकी है। तो ये कोडिंग भाई आप लोग को देखने को मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि अभी तुम्हारा जो बटन है ना वो बना है। अब मैं आप लोग को यहाँ पर प्ले वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हो बटन आ चुका है। यहाँ पर मैंने 5-6 बटन ऐड किया है एंड इस 6 बटन को अब मैं फंक्शन ऐड करूँगा, लेकिन वो फंक्शन मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो अभी मैं इसके अंदर कलर ऐड करने वाला हूँ, बैकग्राउंड कलर ऐड करने वाला हूँ। तो सिंपली करना क्या है कि हम लोग को फिर से यहाँ पर लेआउट ALY में आ जाना है एंड आने के बाद हम लोग को फिर से गैलरी में जाना है। ओके, गैलरी में जाने के बाद बैकग्राउंड में कहीं पर भी क्लिक कर दो, बैकग्राउंड में मतलब कि भाई यहाँ यहाँ कहीं पर भी क्लिक कर दो। यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर ID का एक ऑप्शन आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करना। तो ये बैकग्राउंड का लेआउट है, तो इसको हम लोग सिंपली बैकग्राउंड करके ओके कर देते हैं। ओके, तो ये तुम्हारा बैकग्राउंड का भी हो गया सेट। अब हम लोग भाई यहाँ से सिंपली सेव कर देंगे इसको, थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव एंड उसके बाद ऑटोमेटिक ये बैक हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखो तुम्हारा ये कोडिंग हो चुका है एंड सब कुछ हो चुका है। अब हम लोग भाई यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बटन कलर, जिसके लिए भाई हम लोग को कोडिंग करना पड़ेगा एंड उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर सबसे पहले बटन कलर ऐड कर देता हूँ और मैं आप लोग को बताता हूँ भाई फंक्शन कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा पाउज करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा है तो टाइम लगता है, तो उतना बड़ा वीडियो में बनाना नहीं चाहता, वरना आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, जिस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा पाउज करता हूँ, मैं उसके बाद आप लोग को बताऊँगा। ओके, तो थोड़ा सा पाउज हो जाए एंड उसके बाद आता हूँ फिर से। तो भाई लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने बटन का जो इतना लंबा वाला कोड था ये डाल चुका हूँ एंड इसे लिखने के बाद, टाइप करने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद इतनी लंबी कोड बनी है। एंड मैं बताता हूँ आप, यहाँ पर जो हम लोग ID दे रहे थे डैमेज का, जो हम लोग हाई डैमेज का डैमेज डाले थे, ये है ID। अगर हम लोग भाई इसके अंदर कुछ भी गलत करते हैं देखो वर्क नहीं करेगा। पहले मैं आप लोग को वर्क करा के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर प्ले वाले बटन पर जब तुम क्लिक करोगे तो आप देखोगे डिज़ाइन। ओके, ये देखो कलर आ चुका है। ओके, अब ये कलर जो है भाई ये तुम्हारे ID पर वर्क करता है। ID से पता चलता है कि भाई कौन से बटन पे कौन सा प्लेस है, कौन सा जगह है, किस जगह पे भाई वर्क कराना है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं जैसे डैमेज का अगर कैपिटल स्मॉल भी करता हूँ, D लिख देता हूँ सिर्फ, तो आप देखो ये वर्क नहीं होगा, देख सकते हो। तो ये वर्क नहीं करेगा अगर प्ले करते हो। तो सिंपली भाई ID को वही रखना है जो भाई आप लोग को याद रहे, जो आप लोग समझ पाओ। अब हम लोग भाई यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग जब प्ले वाले बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं है। तो इस वाले बैकग्राउंड को हम लोग कैसे मैनेज करें, तो बैकग्राउंड का कोड भी थोड़ा लंबा है तो मैं करता हूँ थोड़ा पाउज एंड उसके बाद आता हूँ एंड उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। ओके, तो बस थोड़ा सा पाउज एंड उसके बाद मिलते हैं। तो भाई लोग यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर भी ऐड हो चुका है एंड बैकग्राउंड का कोड भी ऐड हो चुका है। इतना लंबा कोड था, बहुत छोटा सा कोड था, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। इतना ऐड करने के बाद आप लोग को भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोग का बैकग्राउंड का कलर, तो इतनी ज़्यादा कमाल की कलर है। एंड आप लोग को मैं बताता हूँ भाई कलर कैसे चेंज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो जैसे कि ये कोड है ना, इसको कलर कोड बोलते हैं। सिंपली यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को ये कलर का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी कलर चाहोगे, जैसे ब्लू करना है तो ब्लू कलर पर क्लिक करोगे एंड उसके बाद जब प्ले वाले बटन पर क्लिक करोगे तो देखो ब्लू आ गया इस साइड। तो जैसा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बटन का भी इसी तरीका से होगा, इस पर क्लिक करोगे कोड आ जाएगा, यहाँ पर सिंपली जाओगे यहाँ से चेंज कर लोगे, तो इतना करने के बाद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग भाई दो बटन और ऐड किए थे एंड दो बटन जो था भाई, एक था हम लोग का यहाँ पर यूट्यूब एंड दूसरा था हम लोग का भाई यहाँ पर प्ले गेम, ओपन गेम। तो ये दो बटन का भी फंक्शन ऐड करना है एंड उसके बाद मैं आप लोग को ये जो चार बटन है ना, इसका मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ पार्ट 2 में। लेकिन अभी हम लोग भाई इस दो वीडियो को, मतलब इस दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ओपन गेम का हम लोग को कोड डालना है इसके अंदर, उसके बाद हम लोग को भाई डालना है यहाँ पर ओपन यूट्यूब का, मतलब यूट्यूब सब्सक्राइब करवाना है किसी से, या अपने जैसे भी किसी भी कंटेंट क्रिएटर या किसी भी बंदे को देते हो तो भाई उसको अगर चाहते हो भाई वो तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करे, बाई चांस ये ऐप वर्क नहीं कर रहा हो कभी, तो मतलब अपडेट आने के बाद अगर वर्क नहीं करता तो भाई आप लोग को अगर चाहते हो भाई उस वाले चैनल पे आ जाए जिस चैनल पे मैं ये प्रोवाइड करता हूँ जो ऐप, तो आप लोग भाई वहाँ पर अपना यूट्यूब का लिंक दे सकते हो एंड वैसे काम हो जाएगा। तो मैं आप लोग को सिंपली यहाँ पर अपना सबसे पहले गेम ओपन का कोड डाल देता हूँ एंड यूट्यूब का मैं थोड़ा, यूट्यूब में क्या होता है भाई उसके अंदर थोड़ा सा नेटवेट डालना पड़ता है, नेटवेट का कोड तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर गेम ओपन का कोड डाल देता हूँ। तो थोड़ा सा पाउज करता हूँ उसके बाद आता हूँ। ओके, बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा ऐसे में अगर पाउज नहीं करूँ तो।
तो भाई लोग जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने जो कोड ऐड किया फंक्शन वाला, ये ओपन गेम का है। एंड ये जो है ये आईडी है, इसलिए मैंने आप लोग को बताया था कि जो मैंने आईडी वहाँ पर डाला था, जैसे कि लेआउट एएलवाई में जब तुम आओगे ना, यहाँ पर देख सकते हो ओपन गेम है। एंड ओपन गेम के यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हो ये है आईडी, तो यही आईडी मेन होता है। जैसे यूट्यूब का देख पा रहे हो तो यहाँ भी आईडी है, किसी भी बटन में जाओगे सभी बटन में आईडी है। तो यहाँ पर नो ग्रास वाला में देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ग्रास डाला था इसके अंदर आईडी है। फिर नो रिक्वायर में आईडी है, जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें आईडी देखने को मिलेगी। एंड वही आईडी मेन है। ओके, अगर यहाँ पर कुछ भी गलती होती है आईडी में, अगर मैच नहीं खा रहा, सिंपली लेआउट एएलवाई में जाओ एंड वहाँ पर चेक कर लो कि भाई डैमेज का कोई कैपिटल तो नहीं है, हाई डैमेज तो नहीं लिख दिया डैमेज की जगह पर, ये सब चेक करना पड़ेगा, जिसके बाद भाई 100% वर्क हो पाएगा। यहाँ पर मैं ओपन गेम का फंक्शन ऐड कर दिया हूँ। एंड यहाँ पर सिंपली करना क्या, यहाँ पर प्ले वाले बटन पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर देख सकते हो ओपन गेम का जो बटन है, सिंपली इसके ऊपर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो तुम्हारा गेम यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब पूरा वीडियो तो मैं दिखा नहीं सकता, अगर पूरा दिखाया तो यहाँ पर टेंशन वाली ले लेगी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग भाई एग्जिट करेंगे एंड हम लोग जाएंगे सिंपली अपने ऐप पे। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो तो भाई ये वाला तो बटन काम कर गया ओपन गेम का। अब यहाँ पर सब्सक्राइब जो बटन है ये अभी काम नहीं कर रहा, तो सिंपली हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पर एक और कोड डालना होगा। एंड उस कोड में थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत ये है कि भाई वो उसे इंटरनेट के साथ लिंक करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इंटरनेट के साथ कैसे लिंक करना वो कोड मैं आप लोग को बताता हूँ, जिससे भाई आप लोग को बहुत ज़्यादा सिंपल हो एंड आप लोग समझ पाओ। वीडियो 20 मिनट तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लेने जाने दूंगा, क्योंकि भाई अभी इतना ही रखेंगे, क्योंकि इतना लंबा वीडियो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। तो थोड़ा सा मिलता हूँ मैं थोड़ा टाइम में एंड मैं आप लोग को दिखाता हूँ भाई यूट्यूब का कोड एंड इंटरनेट का कोड। तो भाई लोग यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूट्यूब का कोड ऐड कर दिया एंड उसके बाद इंटरनेट का कोड का मैं सिंपली बता दूँ। ये जो आप लोग 3 लाइन देख पा रहे हो ना, ये इंटरनेट से कनेक्ट करता है आपके ऐप को, आपके जो फंक्शन, आपके जो बटन में जो फंक्शन आप लोग इंटरनेट से रिलेटेड डालते हो, उसे भाई ये लोग इंटरनेट से कनेक्ट करता है, बस ये 3 लाइन। और यही 3 लाइन भाई आप लोग का इंटरनेट पे डिपेंड है। अगर इंटरनेट से वर्क कराना तो आपको ये 3 कोड डालना पड़ेगा, चाहे रिलेटेड टू टेलीग्राम हो या कुछ भी हो। अगर यूट्यूब नहीं डाले टेलीग्राम डाल रहे हो, फिर भी आप लोग को ये वाला कोड डालना पड़ेगा। एंड जो कोड मैं आप लोग को नीचे दिया हूँ, उसके अंदर मैं थोड़ा सा गलती आप लोग को करके दिया हूँ, वो है भाई ये कोड, यूट्यूब का जो कोड है। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये होता कैसे। जैसे कि मैं यहाँ पर आईडी गलत लिखा हूँ, सॉरी बैक आ गया, सिंपली चला जाता हूँ फिर से उसमें। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैं आईडी गलत लिखा हूँ एंड जो मेरा लेआउट एएलवाई के अंदर जो मेरा आईडी है वो है भाई यूट्यूब, तो यूट्यूब है ये एंड ये मैं गलत लिखा हूँ। तो सिंपली करता क्या हूँ, यहाँ जाता हूँ प्ले वाले बटन पे एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सिंपली बता दिया कि भाई आप लोग का मेन हुआ 43 अटेम्प्ट इंडेक्स इन नील वैल्यू ग्लोबल यूट्यूब। तो ये जो सिंपली बता दिया कि भाई वो कैपिटल में है, तो सिंपली जाकर भाई अपना ठीक कर लो। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली से यूट्यूब को भाई स्मॉल में लिखना होगा। तो एक सिंपल सा शॉर्टकट बताता हूँ, एएलवाई में जाओ, लेआउट एएलवाई में एंड यहाँ से ये वाला कॉपी कर लो, एकदम सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। एंड उसके बाद मेन लुआ में जाओ एंड इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करो एंड यहाँ पर पेस्ट वाला जो बटन देख पा रहे हो, ये पेस्ट वाला बटन बहुत सारे बंदे मिस करते होंगे, ये पेस्ट है, ये कॉपी है, ये कट है एंड ये भाई सेलेक्ट ऑल है, ये याद रखना। ओके, ये ऑल है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली पेस्ट वाले बटन पर क्लिक करो एंड ये देखो पेस्ट हो गया। अब जो मैं यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करूँगा ना, मतलब मैं अपने प्ले वाले बटन पर क्लिक करूँगा एंड सब्सक्राइब यूट्यूब का जो ऑप्शन देख पा रहे हो ये वर्क करेगा एंड यहाँ पर कोई भी भाई गलत वैल्यू नहीं बताया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सब्सक्राइब यूट्यूब पर क्लिक करूँगा, देखो मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाओगे एंड यहाँ पर जो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लिखा है इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। लेकिन उससे पहले भाई हमारे मेन चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अपना मेन चैनल का, तो जाकर उसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पर मैं कॉन्टेंट डालता रहता हूँ, बहुत कमाल कमाल की कॉन्टेंट होती है। तो इससे भाई आप लोग को गेमिंग न्यूज़ मिलता रहेगा एंड आप लोग को पता चलता रहेगा भाई कब क्या होने वाला है। ओके, तो हम लोग सिंपली बैक जाते हैं एंड यहाँ से बैक होने के बाद अब मैं आप लोग को बताता हूँ भाई कि यहाँ पर जो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल क्यों लिखा था। जैसे ये प्रिंट देख रहे हो ना, प्रिंट प्रिंट के बाद तुम जो कुछ भी डालोगे ना ये चीज़, वो आप लोग का भाई लिखाएगा जब भी आप लोग उस वाले बटन पर क्लिक करोगे। तो जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पर सिंपली आप लोग का जो ये बटन है ना, जैसे ये गेम वाला जो फंक्शन मैंने ऐड किया था यहाँ पर ओपन गेम का, तो यहाँ पर जब मैं ओपन गेम पर क्लिक किया था तो भाई ओपन पबजी लिखाया था एंड वो लिखाएगा ज़रूरी है एंड वो लिखाता रहेगा, तो ये चीज़ होता रहता। ओके, तो बस सिंपल सी बात है कि भाई आप लोग को इतनी सारी कोड मैं दे दिया हूँ एंड इसी तरीके से करना आप लोग को। एंड अगर ऐप को बिल्ड करना तो क्या करना होगा आप लोग को, सिंपली यहाँ पर बिल्ड पे क्लिक करोगे, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इस बिल्ड पे। तो जैसे इस बिल्ड पे क्लिक करोगे तुम्हारा यहाँ पर ऐप बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करो, पैकेज इंस्टॉलर, एंड उसके बाद ये देखो तुम्हारा ऐप आ चुका है। यहाँ पर एंड्रॉइड का मैंने परमिशन नहीं दिया था, तो सबसे पहले परमिशन दे देता हूँ एंड बैक आ जाता हूँ यहाँ से। एंड बैक आने के बाद यहाँ पर जेएफएस टूल इंस्टॉल कर लेना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में बताने वाला प्रोफाइल कैसे ऐड करना। ओके,
मतलब अपने ऐप का कौन सा आइकॉन रखना है, किस टाइप का रखना है एंड कैसे रखना है, वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सिंपली देख सकते हो यहाँ पे मेरा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। एंड ये जो बताएगा ये चूतिया पा, ये बस गूगल प्ले का नौटंकी है। ऐप ओपन करोगे एंड यहाँ पर अलाउ कर दोगे एंड ये देखो तुम्हारा ऐप रेडी है। एंड तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ थोड़ा यहाँ पर, तो ये देख पा रहे हो तुम्हारा भाई का यहाँ पर ऐप बन चुका है सिंपली ओपन। ये देखो तो बहुत ही कमाल के ऐप है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है आप लोग को अगर आप लोग इतनी ज़्यादा सीख गए होगे। एंड अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में जाओ, जाके लिखो, कोई भी अगर डाउट है आप लोग भाई पूछो एंड मैं आप लोग को बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड हो सके तो भाई आप लोग को अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा डाउट होगा तो मैं आप लोग को भाई नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड जो करूँगा ना उसके अंदर वो चीज़ कवर कर दूँगा। तो जो कुछ भी डाउट होगी वो सब चीज़ आप लोग को शायद मैं इस वाले वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ। एंड जितनी भी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में डाउट होगी, मतलब अभी इस वाले वीडियो में जितनी भी डाउट होगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगा। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं है एंड इससे ज़्यादा अभी चाहिए नहीं। एंड मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ भाई बटन कैसे ऐड कराते हैं, वर्क कराते हैं एंड उसके बाद भाई अपने ऐप का आइकॉन कैसे चेंज करते हैं। ओके तो ये सब बताऊंगा एंड म्यूज़िक त्यूज़िक भाई सब कुछ, बैकग्राउंड में कैसे भाई वीडियो चलाए सब कुछ चलेगा एंड बहुत ही कमाल की भाई वीडियो बनने वाली है। ये कॉन्टेंट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है इस कॉन्टेंट के साथ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा वीडियो बनाने में। ओके तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में एंड वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबी होगी, 20 मिनट से ज़्यादा हो गई है मुझे लग रहा है ऐसा, तो भाई 20 मिनट तक हो गई तो बहुत ज़्यादा लंबी है। एंड अब हम लोग भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय एंड प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, जिससे भाई आप लोग नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द देख पाओ एंड हमें फुल सपोर्ट कर पाओ। तो ये सब ऐप मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा, ALP, तो आप लोग को सिंपली मिल जाएगा। एंड आप लोग को इम्पोर्ट क्या करना होगा मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे 3 डॉट पर क्लिक करोगे, इस वाले 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर आप लोग को भाई इंपोर्ट का ऑप्शन जाएगा, सॉरी यहाँ से बैक जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर इंपोर्ट करोगे एंड जहाँ पर डाउनलोड करोगे वहाँ पर आप लोग को नाम मिल जाएगा जो फाइल आप लोग डाउनलोड करोगे उसका, बस वहाँ से इंपोर्ट कर लेना। तो सेम टू सेम इस तरीके से आप लोग का ऐप बन जाएगा एंड आप लोग भाई इसे अच्छे से देख पाओगे। एंड मैं आप लोग को एक्स्ट्रा एक पेज में, मतलब एक TXT फाइल में आप लोग को पूरा कोड डाल दूंगा, जिससे भाई आप लोग को सिंपल होगा कि भाई कौन सा कोड कैसे वर्क कराना है, जिससे आप लोग को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड दिक्कत नहीं होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग का मैं फुल डाउट क्लियर कर दूँ, जिससे आप लोग को मैं फुल सपोर्ट कर पाऊँ। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।